तबलीग के काम करने वालों ने बदनाम किया है, उससे पहले शायद किसी ने बदनाम नहीं किया होगा। हमारे चचा मरहूम फरमाया करते थे, अल्लाह गरीब रहमत करे, कि फिरौन को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन तबलीग वालों ने इतना बदनाम किया उसे, इतना बदनाम किया उसे, कि जहां मूसा का किस्सा आएगा तो वहां फिरौन का किस्सा आएगा। तो फिरौन किसको कहते थे? हर वो बादशाह जो मिस्र में बादशाह बनता था उसे फिरौन कहा जाता था। नमरूद किसे कहते थे? इराक में जो बादशाह बनता था उसे नमरूद कहा जाता था। तो फिरौन जो है वो कई है, एक मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन है, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला फिरौन है। ये तो अब जो आगे लफ्ज फिरौन आएगा किस्से में, तो जहन में ये ना आवे कि साहब ये मौलवी साहब की कुछ गलती हो रही है, कुछ चूक हो रही है, कि साहब फिरौन की फिरौन से मुलाकात हुई और फिरौन ने ये किया। भी फिरौन तो मूसा के जमाने में था ना, जो मिस्र में बादशाह बनता था उसे फिरौन कहा जाता था। तो एक फिरौन नहीं, ये जो फिरौन की लाशें रखी हुई है, मिस्र कभी जाना हुआ नहीं हुआ, नियत करो जमात में जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहां जो वहां लाशें रखी हुई है फराइना, तो वो कई फिरौन है तो उस जमाने के जो चले आ रहे थे। एक तो ही मूसा अलैहिस्सलाम वाला, कि वो तो अल्लाह ने कहा कि हम तेरी लाश को हम जिंदा तो तेरी लाश को हम हिफाजत करेंगे, और वो लेकिन दूसरी भी है, कई लाशें हैं। तो हर मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता था और हर इराक के बादशाह को नमरूद कहा जाता था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये काम शुरू किया और 7 रोज तक बराबर जो है वो आग में रहे और आग ने जलाया नहीं, सबने ये मंजर देख लिया, सब ताज्जुब करने लगे कि साहब ये तो बड़ा अजीब आदमी है, साहब इसके साथ तो अल्लाह की मदद। तो कई लोग तो मुसलमान हो गए लेकिन छुपे छुपे, जाहिर में जो मुसलमान हुए थे वो 3 थे, एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक उनकी बीवी हजरत सारा और एक हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, बिरादरजादे थे। ये 3 को तो पूरे इराक वाले जानते थे कि ये 3 की जोड़ी है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बहुत सताया गया, बाप की तरफ से भी सताया गया, दूसरों की तरफ से भी सताया गया, अच्छा जैसे नमरूद के बेटे भी मुसलमान नहीं, लेकिन ये सब छुपे छुपे हैं, अभी एकदम जाहिर नहीं हुए, लेकिन कुरान में तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा तो है। फामन लहू लूत वकाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं तो मेरे अल्लाह के पास जा रहा हूं। अब हजरत सारा के बारे में बुखारी शरीफ में आता है कि याद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा। अब अगला जो मैं बयान करूंगा, गुज़श्ता जो मैंने बयान किया वो तो अक्सर कुरानी हिस्सा था, अक्सर कुछ चीजें जो है वो हदीसों की थी। अब जो बयान करूंगा इसमें इंशाल्लाह अक्सर हिस्सा हदीसों का होगा और उसमें भी अक्सर हिस्सा बुखारी शरीफ का होगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब बहुत नामुनासिब हालात आने शुरू हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा, ये इनकी बड़ी अहलिया थी और आज की जुबान में कह दो निकाह की अहलिया थी। आज अगर किसी के 2 शादियां हो ना तो तारुफ कैसे कराते हैं, ये जो है निकाह की बीवी है और ये दूसरी बीवी है, मैं कहता हूं भाई ये भी निकाह की है, ये भी निकाह की है। आज बुढ़िया कहती है कि ये निकाह वाली है और ये दूसरी है, अरे भाई ये भी निकाह वाली है, ये भी निकाह वाली है। तो ये बड़ी अहलिया थी हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा। किताबों में ये लिखा है कि इन तीनों ने मशवरा किया, कहते इराक में तो रहना हमारे लिए मुश्किल है, बाप भी मुखालिफ है, मां भी मुखालिफ है, घर वाले मुखालिफ, हुकूमत मुखालिफ, तो क्या करें। तो हजरत सारा ये तो बीवी थी, वो भतीजे हैं, ये अल्लाह के नबी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जुबान से जुमला निकला इन निगाह बिन अरबी सयाती, चलो भी मैं तो मेरे अल्लाह के पास जा रहा हूं। ये कहकर ये बैतुल मक़दस के लिए रवाना हो गए। किताबों में, तारीख की किताबों में ये है कि ये जब रवाना हुए हैं तो पहले इन्होंने रुख किया हिंदुस्तान का, देखो बिदाया वन नहाय में मिलेगा, हिंदुस्तान का रुख किया कि चलो। अब जब हिंदुस्तान का रुख किया तो इन्हें कोई जगह नहीं मिली, जमीन नहीं मिली, या आने के कोई चांसेस नहीं मिले, या कोई रुकावटें आई, कुछ
कुछ भी हुआ, अब इन्होंने जो है बैतुल मकदस का रुख किया, क्योंकि वो जगह भी मुअज्जज शुमार शुरू से पहले से होती है मोहतरम। वहां पहुंचे तो वहां पर हुकूमत थी फिरौन की, मिसर, बैतुल मकदस। ये फिरौन कौन सा? मूसा अलैहिस्सलाम वाला नहीं, ये उस जमाने में था। अच्छा, वो जो मिस्री बादशाह था वो बहुत ही खराब आदमी था, हाइन जिसे कहते हैं, खयानत थे उसके दिमाग में, कि किसी की बीवी के बारे में फौजी ये कह दें कि इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है तो वो बीवी को उठवा लेता था, शौहर को कत्ल करवा देता था। ये उसकी आदत थी कि फौजी वो घूमते रहते थे और जरा बराबर पता चल गया कि इसकी बीवी हसीन है, इसकी बीवी खूबसूरत है, तो वो कुछ न कुछ ऐसे जाल डालकर बीवी को उठवा लिया और उसको या तो अपनी बेगम बना दिया या बांदी बना दिया या कुछ भी, और शौहर को कत्ल कर दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पहुंचे, इनकी अहलिया ये बहुत खूबसूरत थी, अब वो बातें होने लगी, ये तो गोशे गुमनामी में अपना अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किसी के साथ जब लोगों को दावत देना, लोगों को भले बातें बताना, लेकिन वो बातें पहुंचते फिरौन तक पहुंची, बुलवाया इनको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चल गया है कि ये जो बुलवाया है इसका मकसद ये है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा से कहा कि देखो अब बात हमारी चल पड़ी है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये इब्राहिम कौन है तो तुम कहना मेरा भाई है।